प्यारे दोस्तों, वी आर लाइव विद ग्लोबल वुमेन इनसाइट्स थर्ड एपिसोड एंड टुडे आई एम ऑनर्ड दैट माय वेरी डियर फ्रेंड, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, अमेजिंग लीडर मिस सेनेटर सितारा अय्याज साहिबा इज हियर विद अस. थैंक यू सो मच सितारा साहिबा, आपने हमारे साथ हमारे ज्वाइन किया. दोस्तों, सेनेटर सितारा अय्याज साहिबा की लंबी जर्नी है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, और जहां तक वो कैसे पहुंची आज हम उनसे खूब सारी गप लगाएंगे, उनसे बात करेंगे. और आपके भी अगर कोई सवाल है और आप उनसे पूछना चाहते हैं कि वो यहाँ कैसे पहुंची, पॉलिटिकल स्ट्रगल कैसे की जाती है, स्पेशली वो मेरी दोस्त सहेलियां जो अभी मुझे सुन रही हैं, जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं, एंड दोस्त पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, यू शुड बी यू नो सिट डाउन टुगेदर विद मी एंड लिसन टू वर्ड सितारा या साहबा हैज टू से. सो सितारा साहबा, लेट्स बिगिन ऑल वेयर सितारा'स लाइफ बिगिन. हाउ डिड यू, वेयर इट्स ऑल द ब्यूटिफुल जर्नी दैट वी सी टुडे, वेयर इट ऑल बिगिन. थैंक यू वेरी मच फारह. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में यू इनवाइटेड मी एंड आई एम हियर विथ यू एंड इट्स लाइव एंड आई होप दैट द कॉन्वर्सेशन विल बी इंटरेस्टिंग. आई एम ट्राइंग कि मैं कवर करती जाऊँ साथ साथ में अपनी तमाम जो लाइफ में किस तरह फ्रॉम सिंपल सितारा आयास टू द जर्नी ऑफ सितारा आयास टू अ सेनेटर सितारा आयास. आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग. आई एम सितारा आयास एंड आई बिलोंग टू खैबर पख्तूनख्वा में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सवाबी है. एंड इन डिस्ट्रिक्ट सवाबी वी हैव अ विलेज कॉल्ड झंडा. आई बॉर्न देयर. एक्चुअली मैं पैदा भी झंडे में ही हुई. देन वी शिफ्टेड टू पेशावर फॉर स्टडीज. यहाँ पे मैं बताती जाऊँ कि दैट वॉज वेरी अनयूजल. वी वर टू सिस्टर एट दैट टाइम और माई फादर डिसाइडेड टू लीव हिज विलेज एंड ही लेफ्ट दैट फॉर जस्ट इसके लिए, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, सिर्फ इसके लिए कि वो हमें अच्छी एजुकेशन दे सके. सो दैट इज समथिंग विच इज लाइक आई एम वेरी प्राउडली टेलिंग एवरीवन कि उस टाइम में जब मैं सोचू आई वाज 3 इयर्स ओल्ड जब हम झंडा विलेज से शिफ्ट हुए पिशावर और वो हम शिफ्ट हुए फॉर गुड एजुकेशन कि हमें और लड़कियों को, लाइक इट्स वेरी अनयूजल फॉर पख्तू सोसाइटी उस वक्त की कि वो लड़कियों के लिए अपना घर बार, अपना खानी, अपनी जिम्मेदारी, अपना सब कुछ छोड़ के वो पिशावर आते हैं सिर्फ और सिर्फ कि उनकी जॉब भी नहीं है, वो सिर्फ इसके लिए आ रहे हैं कि हमें एजुकेशन दे दे. सो वी स्टार्टेड देन 3 इयर्स से फिर मैं पिशावर में रही. आई हैड माई अर्ली ऑल माई एजुकेशन पहले FG स्कूल में, फिर यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल, देन यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर से जेना कॉलेज विच इज वन ऑफ बेस्ट जो कॉलेजेस में होता है. मैं वहाँ पे वहाँ से मैंने पढ़ा. देन आई स्टार्टेड, जिस तरह मैंने आपको कहा कि वी वर टू सिस्टर्स एंड देन उसके बाद हमारी 2 बहनें और आई तो हम 4 बहनें हैं एंड आई डोंट हैव अ ब्रदर. सो बहुत ज्यादा मेरे वालिद को क्रेडिट जाता है बिकॉज ही वॉज द वन जो वो ड्राइविंग फोर्स होती है ना, जो जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा एजुकेशन की तरफ दिया कि एजुकेशन बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए. और मेरी बेटियों ने एजुकेशन पे सारा उन्होंने कॉन्सेंट्रेट सारा किया हमारा. बल्कि मैं ये कहूंगी कि ही लेफ्ट एवरीथिंग फॉर अस. उन्होंने अपनी एक्टिविटीज छोड़ दी, अपने फ्रेंड से मिलना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के उन्होंने पूरा का पूरा हमारे, वो खुद ही हमारे उस्ताद भी थे, हमारे ट्यूटर भी थे. ही वाज एवरीथिंग फॉर अस. आई एम ऑलवेज एक्चुअली मैं यही, और नेचुरली माय मदर, अगर वो उनके साथ ना होती तो दोनों ने बहुत ज्यादा हमें जो पढ़ाया लिखाया और ये कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ जो है तो ये हमें वहीं से मिला, हमारे घर से, हमारे घर के माहौल से. मैंने बताया आपको कि मैं टिपिकल पख्तून सोसाइटी की एक बाशिंदा वहां से हूँ और फिर यहाँ पे पेशावर आई. उसके बाद आई स्टार्टेड बिकॉज माई फादर उनकी जमीनें थी और वो अपने गांव में इसे काम करते थे, तो आई वॉन्टेड टू हेल्प हिम
कि मैं उनको हेल्प करूं, मैं उनके साथ काम करूं. एंड देन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिकल लाइफ एंड देन इट वाज लाइक बस शुरू शुरू हुआ तो फिर अब कहीं इधर तक मैं पहुंची. इट वाजंट बहुत आसान जिंदगी नहीं रही. आपका माशरा जिस तरह है और जिस टाइम में हम स्कूल कॉलेजेस जाते रहे और फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की तो वहाँ पे सरवाइव करना इट वाजंट इजी. मैं कॉलेज अगर जाती थी तो आई यूज टू ड्राइव माय कार. हमें वो कहते हैं ना छोटी छोटी चीजों से हमें कॉन्फिडेंस दिलाना मेरे वालिद का कि मैं अपनी मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी 1969 वाली वो जो गियर जो होते थे वो उसके वो स्टेयरिंग जो था ना उस पे होते थे. So I used to drive that car and मैं खुद जाती थी कॉलेज. Before that my sister used to drive and then जब उनकी शादी हुई तो फिर मैं खुद जाती थी. तो वो वहीं से ये सारा सिलसिला बस बनता रहा. Different जगहों पे मैंने jobs की जिसमें with some international organization because अफगान refugees के लिए बहुत सारी international organization उस वक्त पेशावर आई हुई थी. तो आई स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल बहुत ही छोटे उससे मैंने शुरू किया बिकॉज उस वक्त एक्सपीरियंस भी नहीं था. आई मस्ट मैं अपनी एक कजन को याद करना चाहूँगी बिकॉज शी हेल्प मी अ लॉट. शी इज नो मोर. उनकी डेथ हुई थी PIA की क्रैश जो नेपाल में हुआ था साजिरा शाह. सो शी वॉज द वन जिसने मुझे काफ़ी जॉब में बड़ी हेल्प की, प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया. देन वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ. फिर मैंने BBC को भी ज्वाइन किया एज अ पश्तो कॉरेस्पॉन्डेंट पश्तो की उनकी रेडियो के लिए. तो कुछ प्रोग्राम्स मैंने वहाँ पे उनके साथ किए. वो अफगान रेफ्यूजीज के लिए करते थे तो आई स्टार्टेड दैट एंड दैट वाज माय फर्स्ट. मेरे ख्याल से बेनजीर भुट्टो आई थी एबटाबाद में फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह करने के लिए. So sure. I went to cover that also. So it was like if I abhi main sochu the it was amazing when I went. And a young girl ke bahut hi young aur phir udhar jaake aur sara usko cover karna. Then uske sath on and off I was doing some consultancies also. Sath mein chote mote bas jobs of karti hu. Then I got married in 2000 में मेरी शादी हो गई विद माय कजन. फिर उसमें थोड़ा सा गैप मुझे आया शादी के बाद एक साल का. एंड अगेन आई जॉइंड वन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज देयर कम्युनिकेशन मैनेजर एंड दे वर वर्किंग ऑन मलेरिया एंड लेशमैनियासिस इन अफगानिस्तान. सो दैट वाज अ टोटली न्यू फील्ड फॉर मी. लेकिन सॉरी मैं बीच में ये आपको बताना भूल गई कि मैंने मेन टाइम जब व्हेन आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो उस वक्त वुमेन एक्शन फोरम जो था ज़ियाउल हक साहब के बाद तो हम लोगों ने उस वक्त हम पढ़ रहे थे जब ज़ियाउल हक साहब की डेथ हुई और सारा. लेकिन वुमेन एक्शन फोरम बन गया था लाहौर पंजाब और यानी कराची और इधर खैबर पख्तूनख्वा में नहीं था. So I am one of उनके पायनियर में से हूँ जो खैबर पख्तूनख्वा में हमने वुमेन एक्शन फोरम को याद रखी. और वो उस वक्त हमने एक वुमेन राइट्स के हवाले से वुमेन एनजीओ की वो फर्स्ट बुनियाद थी एनजीओ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर. तो विद मी दैट वॉज मुसर्रत हिलाली. She is now High Court की जज है वो. मैं और वो बिल्कुल स्टार्ट में हमने शुरू किया. फिर हमारे साथ रक्षंदा नाज ने ज्वाइन किया. दैट वॉज हर फर्स्ट ऑल्सो. सो शी वॉज ऑल्सो विद अस. सो वी थ्री देन वी स्टार्टेड दैट. और मर्दों में हमारे साथ बहरोज हुआ करते थे जो कि इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका अमेरिका में काम कर रहे हैं. एट दैट टाइम ही वॉज वर्किंग विद द न्यूज. सो इस्माइल थे जो इस वक्त डॉन के चीफ एडिटर हैं खैबर पख्तूनख्वा के. सो वी ऑल स्टार्टेड दैट थिंग एंड इट वाज
बहुत ही एक अच्छा हमारा रहा साथ रहा, और हमने उस वक्त बहुत ज्यादा काम किया जिस वक्त औरतें नहीं निकलती थी, तो हमने बहुत ज्यादा उस वक्त काम उसमें किया। फिर ह्यूमन राइट्स में आजमा जहांगीर के साथ थोड़ा बहुत किया, देन एस एम जफर साहब के साथ भी मैंने एज वॉलंटियर में करती रही ये सारे काम, वेमेन से रिलेटेड, वेमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, बट दैट वॉज नॉट अ जॉब एक्चुअली, दैट वॉज अ वॉलंटियरली अलॉन्ग विद जॉब आई वॉज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। वेमेन एक्शन फोरम में मैं काफी एक्टिव रही उनके साथ, आई नो ऑल इज फरीदा शहीद एंड फनी एंड वेरी यंग, वी वर वेरी यंग एट दैट टाइम, तो बड़ा डर भी लगता था इन लोगों से, बट वी लर्न अ लॉट, हमने बहुत कुछ इनसे सीखा, अभी भी मिलती रहती हूँ सबसे, तो काफी कुछ इनसे सीखा। फिर उस जब मैंने लेशमेनिया सीजन मलेरिया पे काम किया, तो आफ्टर दैट आई ज्वाइन बिकॉज मेरे बच्चे फिर थे, तो मैंने फिर ऑल पाकिस्तान वेमेन एसोसिएशन को ज्वाइन किया एज अ डायरेक्टर खैबर पख्तूनख्वा, तो मैं पूरे पख्तूनख्वा को फिर हेड कर रही थी, और काफी हमने उसमें इनोवेटिव काम किए, बिकॉज वो तो वो टिपिकल एक हमारा होता था ख्वातीन का एक ग्रुप और वो सोशल वर्क करती थी, लेकिन दो मेरा डेवलपमेंट साइड पे मैंने काफी काम किया हुआ था, एज अ कंसल्टेंट भी मैंने काम किया था, सो वी ट्राइड टू हैव अ न्यू थिंग्स इन अपवा, सो हमने काफी सारा वाटर सप्लाई स्कीम्स, देन हमने पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत सारा काम किया, वी वर रनिंग अ शेल्टर होम फॉर वेमेन, देन शेल्टर फॉर चिल्ड्रन, दैट वी वर डूइंग विद बेगम जरी सरफराज, विच अगेन आई लर्न अ लॉट फ्रॉम बेगम जरी सरफराज, अल्लाह उनको बख्शे, काफी मैंने क्लोज उनके साथ भी काम किया एंड आई लर्न अ लॉट, पोलिटिकल भी मैंने उनसे अच्छा साथ साथ में, मैंने 2000 में शादी के बाद मैंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया फ्रॉम यूनियन काउंसिल लेवल, एंड अगेन माय फादर सपोर्टेड मी दैट, बिकॉज मैं गांव में उनके साथ काम करती रही हूँ जमीनों पर, और उनके जो मुकदमे जो भी चीजें होती थी आई यूज टू वर्क विद हिम, सो देन जब मुशर्रफ साहब का टाइम आया और जब खवातीन को उन्होंने आगे किया, तो मैंने यूनियन काउंसिल और फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बाकायदा इलेक्शन मैंने लड़ा, एंड आई वॉज नॉट पार्टी, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं थी, मैं बिल्कुल भी फुली सपोर्टेड बाय माय फादर, मैं किसी को नहीं जानती थी सवाबी में, जितने भी वोट मुझे पड़े तो दैट वाज फ्रॉम माय लाइक माय फादर एंड माय अंकल्स और उनके जो दोस्त और थे वहीं से मुझे वो हुआ, बट दैट वाज अ पोलिटिकल फर्स्ट स्टेप विच आई डू, वहीं से फिर मैंने बादशाह खान को पढ़ा, और दैट वॉज माई ओन, मैं खुद से मैं पैदाइशी एनपी की नहीं हूँ, जैसे वो कहते हैं ना पैदाइशी आप किसी भी पार्टी के, और ना ही मेरा किसी पोलिटिकल घराने से ताल्लुक है, हमारे लोग या आर्मी में है, जमींदार फैमिली है, खान फैमिली है, हम लोग उसकी या आर्मी में थे या सिविल सर्विस में थे, पोलिटिकल हम लोग कभी भी नहीं रहे, आई वॉज लाइक पॉलिटिक्स में आके फिर मैं आई थी, तो देन आई ज्वाइन आई मेट असलंदार वली खान, वो मुसर्रत हिलाली के थ्रू ही मेरी मुलाकात हुई, देन आई मेट एंड देन फॉर्मली आई ज्वाइन एएनपी खुद से, लाइक ये नहीं कि मुझे किसी ने, बिकॉज आई स्टडीड दैट और मैंने सारा वो आदम तशद्दुद और सारा पढ़ा एंड देन आई ज्वाइन दैट, तो इनके साथ काफी मेरे लाइक आप सोचें कि कोई 2000 से लेके अभी तक इनके बस इट वाज लाइक पॉलिटिकल भी मेरा सारा रहा, जॉब्स भी सारी होती रही और बच्चे भी, बच्चों का भी मैं करती रही और अब्बा में जॉब भी करती रही और पॉलिटिक्स को भी देखती रही और सोशल वर्क भी साथ में करती रही। सो अमेजिंग कि जर्नी जो है इतनी अमेजिंग है, इट्स लाइक एन एनर्जी दैट इट्स कमिंग from you, and वो घर के अंदर एक डिफरेंट सा एक बच्चा होता है ना, तो आप चारों बहनों में यू वर डिफरेंट, आपकी बाकी बहनें नहीं पॉलिटिक्स में आई है ना, एक घर के अंदर है ना, my elder was a typical woman, like a housewife, वो typical जो housewife का वो है, she was a housewife. हाँ, जैसे एक वो बच्चा होता है घर के अंदर जिसको पता होता है कि वो बाबा के साथ उसने जो है ना सारे काम उनको संभाल केयर ऑफ एवरीथिंग, लाइक बिजली के बिल तक का सारा वो ही देख रहा होता है, ये भी कर सारी चीज़ें, सो आई वाज डूइंग एवरीथिंग आफ्टर गेटिंग
मैरिज ऑल्सो, जब मेरी शादी हो गई उसके बाद भी आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई फादर्स का जो जितना भी वो सारी चीजें थी, बिकॉज मैं मेरे कजन के साथ मेरी शादी हुई है तो उसको कोई उसको कोई मसला नहीं था मुझसे कि अगर मैं अपने पेरेंट्स का कर रही हूँ या उनके साथ सारा जाके उनकी जो उनके काम होते थे वो करना. तो मैं आई मस्ट से कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी रही है, बहुत ज्यादा बिजी. एंड देन एज अ मदर आल्सो, जब मैं जाहिर है वो एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मुझ पे थी. एंड जब मैं जॉब करती थी तो अपनी बेटी को, पहली मेरी बेटी थी उसको मैं साथ लेके जाती थी बिकॉज मैं फीड करती थी उसको, तो आई यूज टू टेक हर अपने साथ. फिर माय पेरेंट्स वर द वन जो कि उस वक्त भी मेरे साथ, यानी मेरे बच्चों को भी उन्होंने ज्यादा, ये दो जो थे उनको ज्यादा उन्होंने वो किया. मेरा बेटा जब हुआ तो उसको भी मैं जॉब ही कर रही थी लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स उनको देख रहे होते थे. माय सिस्टर्स हु वर नॉट मैरिड, द टू यंगर वन, वन इज स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, एंड द अदर वन इज आल्सो ग्रेड 17 में इस वक्त है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है. तो उस वो दे वर टेकिंग केयर ऑफ माय चिल्ड्रन, तो वो भी मुझे, लेकिन एज अ मदर आई ट्राई टू ओके मैं उनको क्वालिटी टाइम दूं एंड आई एम वेरी हैप्पी. Because my children, they said, वो अभी भी कहते हैं कि yes, our mother gave us a quality time. So that is something which I'm very happy. कि at least as a mother, मैंने अपना रोल पूरा किया है कि उसपे. और then as a daughter, भी मैं as a daughter, as a mother, as a wife, and then as a political figure, and then as a social worker. So मेरा काम. Mashallah, hearing you is amazing. Hearing your story, it seems like energy is coming out from you. ये बताते हुए भी आप इतना जबरदस्त आपको फील हो रहा है. सितारा जी देखिए, I see कि आपकी जिंदगी में मर्दों का बहुत बड़ा रोल रहा है, जहाँ वो आपके बाप की सूरत में या आपके कजन की सूरत में और फिर जब आपके हस्बैंड की सूरत में. तो ये अक्सर कुछ कहा जाता है कि मर्द जो है वो औरतों को इतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे मर्द भी हैं जैसे आपके साथ अगर वो खड़े हुए तो उन्होंने आपको एक वो बनाया और हेल्प किया आपके साथ. तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? क्या ये, हम बहुत सारे मर्द दोस्त भी हमारे और अहबाब हमारे सुन रहे होंगे, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगी कि अगर हम औरतों को वो सपोर्ट करें तो वो सब कुछ कर सकती हैं, दुनिया फतह करके शायद आ सकती हैं, और उनको वो स्पेस देनी चाहिए जो उनकी इस सोसाइटी में मिरास है. और दूसरी बात, एक ऐसी ट्राइबल सोसाइटी में जहाँ से आपका ताल्लुक है, आपके वालिद साहब का खड़े होना इस तरह से आपके लिए और लड़कियों के लिए बहुत सी बातें सुनने को मिली होंगी, तो वो क्या सिचुएशन थी और आप मर्दों को क्या कहना चाहेंगी? मैं पता है आपको बताऊं, मे बी आई डोंट नो, लेकिन आई एम लकी इन दिस, इसमें मैं बहुत ज्यादा हूं कि मुझे, मैंने आपको कहा ना कि जैसे कहते हैं कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मुझे लग रहा है कि एक औरत भी जब बहुत कॉन्फिडेंटली आती है तो उसके पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है, चाहे वो उसका शौहर हो, चाहे वो उसके वालिद भाई, जो भी होता है. देखिए, आप जिस वक्त स्पेस देते हैं, ब्रीदिंग स्पेस जरूर देना चाहिए सबको, इंसान के लिए हर एक, और हर जगह का एक माहौल होता है, इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है. देखिए, जब मैं पख्तून सोसाइटी में, जिस वक्त आप सर्वाइव कर रहे होते हैं और आप पख्तून सोसाइटी में होते हैं, तो दैट इज टोटली एक डिफरेंट चीज थी जो कि हमारे वालिद ने हमें समझाई कि आपने इस सोसाइटी में किस तरह सर्वाइव करना है. अगर मैं वहां पे टिपिकल जो वेस्टर्न तरीका अपना ले, शायद मैं सर्वाइव ना कर सकती, बट अकॉर्डिंग टू पख्तून उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने मुझे कहा, मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग की, बेसिकली मेरे जो मेरे पेरेंट्स है, पेरेंट्स को बहुत जरूरी होता है, माँ को भी और बाप को दोनों को, कि अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग करें. व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो फिर आप, और कैरेक्टर ये नहीं होता कि आपने जी एक औरत ने जी मर्द से बात कर ली तो वो उसकी कैरेक्टर नहीं, द कैरेक्टर इज लाइक हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ यू आर वर्किंग. आप किसी के साथ मिल रहे हैं, चाहे वो औरत के साथ, आप किस तरह मिल रहे हैं, आपकी आपका पूरा लाइफ का स्टाइल आपके कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है. झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सारी चीजें आपके कैरेक्टर के अंदर आपके पेरेंट्स डालते हैं.
तो जिस वक्त आप में ये सारी चीजें आ जाती है ना, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और आपको जिस वक्त पूरे अपने एरिया का पता होता है कि मुझे इधर ये बिहेव करना है, मुझे इधर इस तरह रहना है, मैंने चादर के अंदर मैंने अपना जिस तरह वहां पे, मैंने आपको कहा ना मैं गाड़ी चलाती थी, आई यूज टू ड्राइव उस टाइम में, इट वॉज इन अर्ली 90s, लाइक 92 93 में आप देखें, आई यूज टू ड्राइव, बल्कि 90 में मैंने शुरू किया। तो उस वक्त आप देखें कि अगर मैं और कुछ चंद ही खवातीन ड्राइव करती थी, लेकिन हम पूरे पर्दे में होते थे, हम चादर पहन के करते थे, हम किसी से बात मुख्तसरन बात कर ली, कोई इधर उधर की नहीं। तो इन चीजों को देख के कि आपको अपने इलाके के तौर तरीकों को देख के अगर आप अपनी लाइफ चलाती हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं। मैं अभी आपको बताऊं, मैं तो थ्रू आउट फिर मतों के साथ ही मैंने काम किया है, जितना भी काम, और फिर पॉलिटिक्स में तो है ही सारा मतों के साथ काम करना। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि आई एम लकी अगेन कि मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट फिर मिला अपने कलीग से, चाहे मैं किसी दफ्तर में काम मैंने किया या चाहे मैंने पॉलिटिक्स में किया। हम कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी, एंड इफ यू आर इन पॉलिटिक्स, और स्पेशली कोई औरत पॉलिटिक्स में आ जाए तो पता नहीं क्या। बट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता दूं, ठीक है, देखिए वो मर्दों को भी बहुत सारी चीजें फेस करना होती है, जो हर्डल्स होती है वो मैंने भी फेस की है, लेकिन इस तरह की नहीं है कि मैं कहूँ कि जी वो डिपेंड ऑन यू, हाउ यू आर हैंडलिंग, आप किस तरह किसी को हैंडल कर रहे हैं, आप किस तरह किसी के साथ बात कर रहे हैं। तो आई ऑल्सो वेंट थ्रू अ लॉट, मैं अभी भी अगर आपको कहूँ कि बहुत सारे, लेकिन वो शायद मर्दों के साथ भी होंगी, अगर मैं पॉलिटिकली अपने उस पे आऊं। देखिए मैं जब 2008 में मैं वजीर बनी, आई वाज मिनिस्टर इन 2008 जब पीपल्स पार्टी और एनपी की गवर्नमेंट बनी, तो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उस वक्त तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर कोई मिनिस्टर नहीं बनी थी, तो मैं पहली मिनिस्टर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के इंटरिम गवर्नमेंट में बनी थी, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के टाइम में मिनिस्टर्स थी, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट में मैं पहली मिनिस्टर, और वाइस मिनिस्टर थी 22 या 23 मर्दों में मैं सिर्फ एक खातून मिनिस्टर थी। बट अगेन आई गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, मुझे वहां से भी बहुत रिस्पेक्ट मिलता रहा। प्रॉब्लम्स वही जो आम सियासी बंदे को आती है वो मुझे भी आती रही, आपके ओपोनेंट्स भी होते हैं, वो आपके पीछे बात भी करते हैं, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं बहुत सारे। हाँ, जिस वक्त मैंने फील किया कि शायद मुझे कमजोर जान के और मुझे टॉर्चर किया गया, वो एक दो चीज जगह आई जो मुझे एज अ वुमेन लगा कि मुझे शायद इन्होंने, बट आई स्टूड अप, मैं उस उधर भी खड़ी रही, और अगेन आई हैव अ फुल सपोर्ट ऑफ माई फैमिली विद मी। और वो ये हुआ कि जब मैंने 5 years I was there, मुझे उसमें threatening letters भी मिले as a minister, I got a threatening letters, मैं underground भी गई उसमें 1 हफ्ता 10 दिन के लिए, सारी चीजें चलती रही मेरे साथ। फिर जब जिस वक्त गवर्नमेंट खत्म हुई और दूसरी गवर्नमेंट दूसरी पार्टी आई, तो उस वक्त जो मेरे खानदान के जो लोग थे, जो कि नेचुरली वो होता है ना, आप एक खानदान में इतना आगे निकल आए, और फिर वो भी जिसका भाई नहीं है, और वो भी जो कि वापस अपने गांव जाके अपनी जमीनों पे बैठ जाती है वालिद के बाद, तो आपको पता है कि फिर आपके कितने दुश्मन, आप किसी के साथ कुछ ना करें, किसी को कुछ ना कहे, फिर भी आपके दुश्मन बन जाते हैं बहुत सारे। तो चीज मेरे साथ हुई, मेरे अपने लोगों ने, मेरे अपने उसमें जो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए थे, उसको ज्वाइन किया, वो लोग गवर्नमेंट में आए, तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन अगेन जिसको उन्होंने वो जो प्रोविंस में एक इंतजाम कमीशन बनाया, तो आई वाज मुझे उसको मैं सबसे ज्यादा सबसे पहले मुझे, और मुझे इतना ज्यादा उस उन्होंने बदनाम किया कि पूरे पत्नी इंटरनेशनली दे इट, एंड एट द एंड मैं उनको चीखती रही कि आप मुझे ले जाएं, मैं आपको सारा कुछ दे देती हूं, अगर है तो रेडी टू, बट एट द एंड आई वन दैट केस बिकॉज़ देयर वाज नथिंग इन दैट, और दैट एवरीबॉडी नोस, अब सबको पता है कि वो एक पर्सनल उस पे, तो ये चीजें साथ में चलती रही। उस वक्त मैंने ये फील किया, उस वक्त मैंने ये फील किया शायद एज अ औरत
मुझे सबसे पहले मुझे ही क्यों, बहुत सारे लोग थे उसमें, शायद बहुत सारे लोगों ने शायद किया हो, मुझे नहीं पता था, मैंने एटलीस्ट करप्शन नहीं किया था, तो मुझे लगा कि मुझे शायद एज अ वुमन बिकॉज आई वाज द ओनली फीमेल दैट कैबिनेट, मुझे शायद इसलिए, बट आई स्टूड दैट, मैंने उस पर बहुत ज्यादा तो कि आई वेंट थ्रू दैट वाज आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी, वर्स्ट टाइम फॉर मी, अपने बच्चों को समझाना, अपने बच्चों को बताना, दैट वाज समथिंग कि उनके दिमाग में मेरे लिए कोई गलत वो ना आ जाए, वो ना आ जाए, हाँ, दैट वाज समथिंग बिकॉज माँ एक रोल मॉडल होती है बच्चों के लिए. एक्जेक्टली, हाँ, दिस इज सो अमेजिंग, दिस इज एक्जेक्टली, आई मीन दिस इज सो अमेजिंग लिसनिंग टू यू एंड when you see these all these challenges aur aap us pe khade rahe itni mazbooti ke sath aur specially jab aapki itni training hui ho apne father ke sath aur fir aapne duniya ke sath ladna ho aur aapke father jaisi iconic figure ne aapki training ki ho fir mera nahi khayal ki koi raste mein aapki koi rukawat aa sakti hai to mera khayal hai ki hum jo sunne wale baap hain ya bhai hain hame unko batana hai ki agar wo auraton ko support karenge agar wo apni behno ko support karenge biwiyon को तो बहुत सारी सितारा आयाज जो है वो पाकिस्तान में हो सकती हैं और हमारी कोई कमी नहीं है. सितारा जी मुझे ये बताइए कि आप जो है वो सेनेट में हैं इस वक्त और आपका टेन्योर भी चल रहा है तो उसमें बताइए कि आप उसमें क्या काम कर रहे हैं और सेनेट में इस वक्त जो आपकी सारी एक्टिविटीज हैं कुछ आपकी क्या क्या उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन अभी तक रही है और पॉलिटिकल आपको ऑफकोर्स आप मिनिस्टर भी रहे लेकिन ये जो स्टेटस है अभी सेनेटरशिप का विच इज ऑल्सो अगेन एन ऑनर तो उसमें क्या क्या लेजिस्लेशन है किन कमेटीज में हैं आप और क्या कंट्रीब्यूशन हमारे लिए आप कर रहे हैं वहाँ. फरीद थोड़ा सा अगर आप मुझे एक दो मिनट दे दें मैं सेनेट का भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि सेनेट का जिस वक्त मुझे पार्टी का टिकट मिला था तो मेरे हमारे प्रोविंस में उस वक्त सिर्फ हमारी 5 सीटें थी और मुझे चाहिए था 36 के करीब मुझे वोट्स चाहिए थे तो दैट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बी इन अ सेनेट मेरे लिए. लेकिन अगेन इट वाज अ ब्लेसिंग के पीपल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जबकि मेरी पार्टी नहीं थी उसमें तो अगर मैं सेनेट में भी आई हूँ तो बकायदा नॉट लाइक कि ये जी खवातीन की सीट थी तो बड़ी आसानी से आ जाती है. मैंने नहीं वो बकायदा मैंने उसमें आई हैड प्रॉपर इलेक्शन और एट द एंड मुझे यही था कि मैं हार जाऊंगी बिकॉज आई डिडंट हैव एनी वो मेरे पास साथ बिल्कुल भी वो नहीं था बट इट वॉज ऑल लाइक अल्लाह की तरफ से था और इट वॉज अ मिरेकल फॉर मी कि मैं इधर और सब लोग यही सुबह जो भी सुनता था तो वो यही कह रहा था कि हाउ कम ये कैसे हो गया. हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही सारी चीज उस पर हुई तो एज यू सेड के इट्स समथिंग एक बहुत बड़ा सेनेट जो है तो हाउस ऑफ फेडरेशन भी है तो उसमें आना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी और मेरे ख्याल से जो मैंने इतनी स्ट्रगल की थी तो ये उसके लिए उस पर यहाँ पे आना आई कैन नॉट टेल यू व्हाट आई फेल्ट एट दैट टाइम जो मेरी उस वक्त की फीलिंग्स थी बट मैंने आपको बताया मेरा डेवलपमेंट सेक्टर से ताल्लुक रहा मैंने काफी डिफरेंट वास्ट उस पर फील्ड्स में मैंने काम किया तो आई रियली वांटेड कि मैं अपना जितना भी मैंने कुछ सीखा मैं यहाँ पे आके उस पर काम करूँ तो द फर्स्ट 3 years वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मी कि मैंने आपको जैसे कहा कि वो एहतसाब की चीज चलती रही तो वॉज वेरी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दैट बट आई वर्क फॉर मैं वेमेन की जितनी भी लेजिस्लेशन होती रही उसमें आई टुक अ पार्ट मैं सारा वक्त उसमें काम करती रही सारी खवातीन के साथ कॉकस में मैं साथ में रही वो 3 साल जितना भी था मैं उनकी जो मेन जो उनकी कमेटी है नेशनल असेंबली और सेनेट की तो मैं उसकी मेंबर अभी भी हूँ एंड देन साथ में ये था कि आई वाज अ मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर सो आई वर्कड वेरी क्लोज विद द डिसेबल्ड पीपल आई वर्कड वेरी क्लोज विद द वेमेन आई वर्कड वेरी क्लोज विद द ड्रग एडिक्ट्स सो आई ट्राइड कि मैं उन लोगों के लिए सेनेट में आके और इनके लिए लेजिस्लेशन पे हम लोग काम कर सकें तो वेमेन का तो साथ साथ मैं हेल्प भी करती रही और साथ साथ में हम काम करते रहे फिर हमने हमारे जो थर्ड जो जेंडर है उस पे जो हम काम तो उस पे मैंने काफी उनके साथ काम किया एंड वी वर एबल टू पास
बिल उनके लिए भी हमने पास किया। डिसेबल्ड के लिए अभी तक अनफॉर्चुनेटली मैं ज्यादा काम नहीं, दो आई एम वर्किंग वेरी क्लोजली विद द डिसेबल्ड पीपल, लेकिन इतना नहीं जितना कि हमें करना चाहिए। बट ओवरऑल फिर मेरा यह था कि 3 साल के बाद आई वॉज द ओनली वन जो कि मैं रह गई थी यहाँ पे सेनेट में, तो मुझे फिर हर फील्ड में काम करना था। तो मैं एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर I worked on legislation ज्यादातर, जितनी भी legislations हुई it was not only related to women and children only but for other, but children as जो अभी इस वक्त जो सेनेट में मैं आई और जितना कुछ यहाँ पे हुआ, तो I along with some of my senators जिसमें बाकी आप सबको तकरीबन जानती हैं रुबीना खालिद है, सब सब हम सब ने मिलकर चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बहुत ज्यादा हम, बल्कि फेडरल का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन जो अभी बन गया है लेकिन अभी प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बिल वगैरह तो वो हमने किया। मैंने प्रोविंस में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन बनाया था जिस वक्त मैं थी, तो यहाँ पे फिर हमने फेडरल चाइल्ड प्रोटेक्शन जो कमीशन है उसको पास भी कर दिया है, बना भी दिया है। जैनब अलर्ट बिल दो हमने पास किया है, बट आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स। मैं उस पे यानी मैं, मेरा नहीं वो होता कि ये हम इसको इम्प्लीमेंट कर नहीं कर पा रहे हैं, वी रियली नीड टू, तो मैं उस पे भी कर रही हूँ। देन क्लाइमेट चेंज जो कि इस वक्त हम क्लाइमेट चेंज को मैं चेयर कर रही हूँ सेनेट के अंदर, मेरे ख्याल से वो पिछले 3 साल मैंने इतना काम नहीं किया जितना मैं इस 3 सालों में कर पाई हूँ फॉर क्लाइमेट चेंज, फॉर क्लाइमेट चेंज, फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड अदर लेजिस्लेशंस जो बाकी होती रही हैं उसमें। तो क्लाइमेट का आपको पता है कि कितना हमें इतने बड़े चैलेंजेस इस वक्त फेस कर रहे हैं, और उस पे हमने ये जो आपके प्लास्टिक बैग्स का जो बंदिश आई थी, दैट वॉज माई कमेटी जिसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर रही है, द मिनिस्टर साहब ने एडमिट भी किया कि यस दिस इज बिकॉज ऑफ योर कमेटी कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और प्लास्टिक बैग्स पे हमने सूबों के साथ भी काम किया। हमने कराची के अंदर समंदर का जो पानी खराब हो रहा है और वहाँ पे जो इतने सारे हमारे सी का जो जो वहाँ पे हमारे फिश और ये सारे जो वहाँ पे हालात खराब हैं हार्बर, कराची हार्बर पे, वहाँ हमने उनके साथ भी काम किया बहुत क्लोजली। इस पर इस वक्त हम ग्लेशियर्स को देख रहे हैं जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। वन ऑफ माय सेनेटर फ्रॉम हमारी कमेटी का ही विजिटेड आल्सो, और हमारा भी इस दफा प्लान था कि वी विल बी विजिटिंग द ग्लेशियर्स कि हम उसको देखें और उसको जाके विजिट करें। काफी सारी चीजें हमने गवर्नमेंट को भिजवाई हैं जिसपे वो इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। आपने कुछ चीजें देखी है कि सीधी इम्प्लीमेंट कर रहा है इस्लामाबाद के अंदर सूबों के साथ, दो के आफ्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट जो हुआ है, तो उसके बाद हम सूबों में बहुत ज्यादा नहीं जा सकते हैं, बट वी डू सेंड आवर रिकमेंडेशंस टू सूबा, और हम सूबों में जा भी रहे हैं। जैसे मैंने आपको सिंध का बताया कि हम कराची में, और सी जो के फेडरल के साथ आ रहा है तो उसको हम देख रहे हैं इस इन तमाम, और हम ये भी चाह रहे हैं कि जो एनर्जी का इशू आ रहा है और जिससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रही है, उसमें हमने गाड़ियों के लिए एक खास हमने लेजिस्लेशन का वो है कि जो वहाँ उससे जो धुआं निकल रहा है और उसको हम देख रहे हैं इस वक्त, और उसमें बहुत ज्यादा काम इस वक्त हुआ है इस चीज पर। तो साथ में जो है तो मैं मेंबर हूँ फॉरेन अफेयर्स कमेटी की भी, तो उसमें भी हम गए, हमने कश्मीर इशू पे भी बात की, हमने इसको काफी उठाया डिफरेंट जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं हम लोग नहीं, ग्रीन गैस इमिशन में हम लोग कुछ नहीं डाल रहे, इंडिया जो है बड़े बड़े मुल्क डाल रहे हैं लेकिन हम सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो वी नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी बिकॉज दे आर द वन जो हम, जिनकी वजह से हम, तो उसको हमने इंटरनेशनली जाके और इस चीज को बड़ा उजागर किया है। और साथ में हमने जो हमारी ये ट्रैफिकिंग हो रही है इमिग्रेंट्स जो है कुछ उसमें काफी
काम हमने किया है और एग्रीमेंट ईयू हम गए वहाँ पे हमने इस पे काफी सारी जो इश्यूज हमारे पाकिस्तानी की थी वहाँ पे हमने जाके उनके साथ बैठे। कश्मीर का मैंने आपको कहा, कश्मीर के इश्यू पे हमने इधर बात की। जिस वक्त हमारे आए हुए थे सेक्रेटरी जनरल जो आए थे यूएन के, तो उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, तो मैंने उनके साथ क्लाइमेट चेंज के इशू को रेस किया एंड ही हाईलाइटेड दैट फर्दर। फिर उन्होंने उसी चीज को आगे फर्दर हाईलाइट किया था, तो इन अ मीटिंग आए हम बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू और हमें पता ही नहीं है कि हम इस वक्त बहुत बड़े एक वो उसमें बैठे हुए हैं कि देखिए जलजले हमें आ रहे हैं, हीट वेव्स इधर आ रही हैं, बारिशें कितनी गलत वक्त में हो रही हैं, आपका गंदम तबाह हो गया। मेरे इलाके में आप जाएं तो टोबैको तबाह हो गया, गंदम तबाह है, ऑरेंजेस तबाह है, तो ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो वी आर सफरिंग अ लॉट, हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो इस चीज पे हम सबके साथ आई एम ट्राइंग मैं काम करूँ सबके साथ मिलकर। नहीं, दिस इज सो अमेजिंग माशाल्लाह। आप जो अपना एक जो जिसको कहते हैं ना बैकग्राउंड भी था और वहाँ आप लेजिस्लेशन भी कर रही हैं और ये चीजें ऐसी हैं, और स्पेशली आपने जैसे शेयर भी किया कि पहले शायद आप उतना नहीं कर सके कॉन्ट्रीब्यूट, लेकिन अभी आप क्योंकि ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, ज्यादा आप उसमें कॉन्सेंट्रेट करिए। मुझे ये बताइए कि जब हम यंग लड़कियों को हम बताते हैं या यंग लोगों को कहते हैं कि पॉलिटिक्स को एज अ कैरियर लो, तो उनको उनको क्या गाइडेंस आप देंगी कि यकीनन आप एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी, आपका अपना एक लीडरशिप का और जर्नी था और आपके फादर की सपोर्ट थी। यंग लोग जो कि पॉलिटिक्स को एज अ करियर लेना चाहते हैं और आना चाहते हैं, क्योंकि हम ये भी और हमारा अभी टाइम भी है कि हमारे यंग लोग नया ब्लड जो है वो इस फील्ड में आए और नई चीजें और नई जहते आए, और यंग लड़कियां भी आपको इंस्पायर जरूर आप इंस्पायर हो रहे होंगे सब लोग, तो उनको गाइड कीजिए कि क्या रास्ता वो निकाले। जैसे हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ कहते हैं नहीं चोर रास्तों से आ जाओ, नहीं सीधे रास्ते से आ जाओ, तो क्या रास्ते वो करें, उन्हें कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए या पहले वो यूनियन काउंसिल या छोटे इलाकों में अपने काम या डेवलपमेंट के काम वॉलंटियर वर्क करें, किस तरह से उनको अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि ये जो हम पे एक लेबल लग जाता है किसी भी औरत पे कि जी पता नहीं कौन से दरवाजों से होके आ रही है, मैं तो यंग लड़कियों को यही कहूंगी कि टॉप पोजीशन पे आने के लिए अगर कोई भी चोर दरवाजा यूज करता है वो टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता, वो टॉप पोजीशन पे पहुंच के भी वो उसको सस्टेन नहीं कर सकता, इसलिए कि जो दरवाजे होते हैं वो सीढ़ी आपसे खींच भी ली जाती है, तो उसको कभी भी नहीं चूज करना चाहिए। दैट मे बी वो इजी होता है फॉर अ टाइम भी, बट वो आपका वो आप उस लेवल पे फिर नहीं पहुंच सकते हैं, आपको कोई पहुंचने नहीं देगा, आपके मेल कलीग शायद आपको फिर बिल्कुल भी नहीं पहुंचने देंगे जो अगर आप वो रास्ते का तो बिल्कुल आप। दूसरा जो है तो मैंने शुरू में आपको वो किया था कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग जनरेशन, व्हिच आई मस्ट से दैट एंड आई फील बैड कि मैं जब ये बात करती हूँ कि आजकल के जनरेशन में जो सबसे बड़ी कमी मुझे नजर आ रही है वो हमारी शायद हमारी गलतियां हैं, हमारी माओं की गलतियां, पेरेंट्स की गलतियां, स्कूलों की गलतियां, लोगों की गलतियां हैं, जिससे जो है तो हमारे बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड लाइक कि मैं पेरेंट्स को बताऊं अगर कोई सुन रहा है कि अपने बच्चों के कैरेक्टर पे बहुत और पूरे कॉन्सेंट्रेट करें अपने बच्चों के पे, इसलिए कि जब आपका बच्चा अगर खराब हो जाता है तो नो मैटर आप एज ए लीडर पूरे मुल्क को संवार दे, लेकिन आपका आपका अपना बच्चा खराब हो जाए ना तो उसका कोई नेमुल बदल है ही नहीं उस चीज का, आप पूरी सोसाइटी को एक गन दे रहे होते हैं। तो और जब पॉलिटिक्स के लिए अगर कोई खातून कोई बच्ची आना चाहती है तो अपने इलाके से शुरू करें, जब आप स्टेप बाय स्टेप आते हैं तो यू लर्न अ लॉट, आप बहुत कुछ सीख के आते हैं, आप बहुत कुछ फिर इस मुल्क को दे सकते हैं, अपने लोगों को दे सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एक जगह पे आ जाते हैं
इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फरहत, आप भी, आपको पता है सारा कुछ, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारी हमारी रिजर्व सीट पे हमारी खवातीन आ जाती हैं। तो क्या आई मस्ट अप्रिशिएट कि इस वक्त बहुत सारी खवातीन जो पार्लिमानी बिजनेस है वो खवातीन चला रही हैं, बहुत सारा बिल्स भी लेके आ रही हैं, लेकिन बहुत सारों को पता ही नहीं कि वाय दे आ गया, इसलिए पोलिटिकल किसी घराने से होंगी या कुछ इस तरह की, तो उनको, तो अगर वो नीचे लेवल से सारा कुछ सीख के आ जाए ना, तो उनको आगे आके बहुत बहुत आसानी हो जाती है। और हमारे पास इस वक्त डिफरेंट जगहों पे आप देखें, हमारे लोकल बॉडीज के जब इलेक्शंस होते हैं तो खवातीन आ सकती हैं उसमें, एंड मैं तो आई एम वेरी पॉजिटिव, और मुझे तो बहुत नजर आता है पोटेंशियल खवातीन में, लड़कियों को जब मैं देखती हूँ, जब मैं मिलती हूँ लड़कियों से। रिसेंटली आई हैड वन, मैंने एक दो इंस्पिरेशनल स्पीचेस के लिए मुझे बुलाया गया था, दो जो हमारी काफी बड़ी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, मैं उधर गई थी, तो आई मेट सम यंग गर्ल्स फ्रॉम वजीरिस्तान एंड फ्रॉम पंजाबी एंड सम फ्रॉम बलूचिस्तान, एंड जिस तरीके से वो मुझसे क्वेश्चन कर रही थी, आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये वो लड़कियां हैं जो कि अपने इलाकों में इतनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन वो आना भी चाह रही हैं, तो आ सकती हैं। इफ सितारा अयाज कैन कम, इफ सितारा अयाज कैन बी अ सेनेटर और अ मिनिस्टर, व्हाई नॉट द अदर पीपल, जिसका ठीक है, मैं ये मैं मानती हूँ कि मेरा फैमिली का बैकग्राउंड होगा या मेरे जो फैमिली सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन शायद कुछ बच्चियों के साथ वो सपोर्ट ना हो, लेकिन अगर वो अपने रास्ते पे कायम रही जिसपे वो एक अपने लिए गोल बना रहा होता है कि आई बी डूइंग दिस, आपने उसके गोल्स पे चल के, मुश्किल रास्ता है, आसान नहीं है, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि मैं एज अ वुमन इस पे जा रही हूँ, वही मुश्किल रास्ते पे मर्द भी जा रहे होते हैं, उनको जो मसाइल होते हैं डिफरेंट होते हैं, हमारे डिफरेंट है, क्योंकि ये फर्क, मैं ये भी आपका के थ्रू ऑनलाइन जो इस वक्त लाइव भी सुन रहे हैं या बाद में सुनते हैं, मैं एक बात अपनी एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूंगी कि अल्लाह ने ये नेचर बनाया है, नेचर है, और हर उसमें एक मादा और एक नर, औरत और मर्द दोनों का, और दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर मर्द मुझे कहेगा कि मैं उसका काम करूं, शायद वो मैं नहीं कर सकूंगी, और मर्द मेरा वाला काम नहीं कर सकता, तो हमें वो बैलेंस रखना होगा, और वो बैलेंस अनफॉर्चुनेटली हम रख नहीं पा रहे हैं। तो जब आप नेचर को खराब करते हैं, जो हम कर रहे हैं नेचर को खराब, आप देखें ना कि इस वक्त जब हम एक छोटा सा, दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस थिंग, लेकिन लॉकडाउन हुआ है ना इस वक्त, तो जो कुछ हमने बाहर नेचर के साथ किया था, हम जब अंदर हुए तो आप बाहर निकले तो दुनिया संवर गई है, आप देखें ना किस तरह। तो आप देखें, आप नेचर को मत खराब करें, जो चीज आपको अल्लाह ने दी हुई है उसके मुताबिक जब आप जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, आपकी राइट्स भी है, जिस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होती है ना, नो मैटर फिर कुछ भी हो, आपने अपने राइट्स के लिए स्टैंड करना होता है, और आपको अपने राइट्स मिल भी जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं और आप अपनी राइट्स के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो तो फिर आपको नहीं मिलती है ना, वो फिर आपको वही फिर नेचर का आप खराब कर देते हैं, ये मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी। एक मर्द है, लेट सपोज वो बाप है, अगर मैं कहूँ बाप है, लेकिन वो ऐसे बाप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा ना, उसने अपने बच्चों को ना प्यार दिया, ना उनको उनकी तरबियत की, ना उनको देखा, ना उनको इनकम जो उनका वो था ना, एजुकेशन दिया, एट द एंड उसका बच्चा जो है वो खुद रो झाड़ी की तरह चला गया कहीं पे। तो अगर वो बाप ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे राइट है कि मेरा बच्चा मेरे वो करेगा, तो वो गलत कर रहा है, उसने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ही नहीं की, तो वो कैसे करेगा कि जी आके वो मुझे वो दे मैं। तो इसी तरह एक औरत के भी, औरत और मर्द के दोनों के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और अपने राइट्स है, अगर हम इसको बैलेंस करके जाए। मेरा हस्बैंड है वो मैंने आपको कहा मेरा कजन है, इज वेरी नाइस पर्सन, वेरी सपोर्टिव पर्सन, लेकिन हमारे बीच का ये है कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
अगर मैं वो पॉलिटिक्स बाहर कर रही हूँ, लेकिन घर के अंदर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं कर रही हूँ उसको पूरा। इसी तरह वो बाहर की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो घर की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ हस्बैंड बीइंग अ फादर, उसने वो पूरी करनी होती है। मैंने बीइंग अ मदर और बीइंग अ वाइफ मैंने अपनी तो तू बहुत प्यारी बात कह रही है। आई थिंक ये हम बहुत प्यारी बात की सितारा जी। अगर हमारे सुनने वाले जो हमें अभी बैठ के कहीं भी सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू एन अमेजिंग अमेजिंग ह्यूमन स्ट्रगलिंग स्ट्रगल्ड एंड वर्क अ लॉट फॉर हर कम्युनिटी एंड लुक एट व्हाट द इंस्पिरेशन दैट शी हैड एंड शी इज हैविंग राइट नाउ। और मेरा ख्याल है कि आज से कुछ अरसे बाद जब हम सितारा को देखेंगे तो और जबरदस्त काम जो है वो सितारा याद साहिबा ने की होंगे। सितारा साहिबा, ये बहुत खूबसूरत आपने बात की और मेरा ख्याल है कि बहुत से सुनने वाले भी आपसे जानना भी चाहेंगे, सवाल भी करेंगे आपसे। सितारा जी ये बताइए कि जब आप कोई भी काम शुरू करने, कुछ लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि हमें डर लगता है कुछ भी शुरू करने से पहले, हमें हम शुरू नहीं कर सकते या हम अपने गोल्स जो है वो हमें हम मनूवर कर देते हैं या डर जाते हैं। जैसे अभी आप स्ट्रगल की बात कर रहे थे कि हाँ गोल सेट करें, लेकिन समटाइम्स ख्वातीन भी और मर्द भी बच्चे भी उन गोल से हट जाते हैं और वो उनको वो ख्वाब जो है वो कहते हैं ये पूरा नहीं हो सकता, ये डर जाते हैं, फियर होता है। पॉलिटिक्स जो है वो है टफ जॉब है, लेकिन जैसे आप कह रही हैं अगर आप कर सकते हैं तो बाकी भी कर सकते हैं, तो उन फियर्स को अपने वो चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम करना चाहिए और आप अपने एक्सपीरियंसेस से कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी इसमें कि वो किस तरह से अपने चैलेंजेस को हटाएं। बिल्कुल, यू आर राइट फरहत। चैलेंजेस तो है और फिर हमारे माशरे में हमारा कल्चर देखें, पाकिस्तान के अंदर देयर इज डिफरेंट कल्चर्स। पंजाब आप जाएं तो इट इज टोटली डिफरेंट फॉर वेमेन, सिंध में टोटली डिफरेंट होगा, बलूचिस्तान पे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारा टोटली डिफरेंट है। मेरे ख्याल से अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँ तो वी डू नीड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ओवर देयर। बल्कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान में औरत को एक रिस्पेक्ट मिल रही है, तो के और भी मसाइल भी बहुत हैं लेकिन रिस्पेक्ट भी होती है। एक बिकॉज आई वेंट थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड आई वेंट के इट इज नॉट ईजी। जिस वक्त आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे होते हैं तो आप बैक फुटिंग पे चले जाते हैं और आप पे डिप्रेशन भी आते हैं और आप चाहते हैं देन यू वॉन्ट के बस ये खत्म हो जाए, बस मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। आई वेंट थ्रू दिस फेजेस, बट वही बात के आपके अंदर की जो औरत होती है दैट शुड बी स्ट्रांग, एंड आई थिंक औरत बहुत स्ट्रांग होती है अंदर से, तो उसको जो है तो उसको मरना नहीं चाहिए अंदर से। That should be, she should be, जो अंदर की औरत है ना उसको अलाइव होना चाहिए, उसको आपने मरने नहीं देना। देखिए मैं जिस वक्त, मैं फिर अपनी एग्जाम्पल पोलिटिकली दे रही होती हूँ, जिस वक्त मैं सवाबी में बैठती हूँ, इस वक्त मैं देखूँ तो सीनियर पोजिशन में मैं हूँ, पार्टी के अंदर मेरे बहुत ज्यादा ऑपोजिशन इस वक्त है, शायद मैं पार्टी ने मुझे एक शोकाज भी दिया हुआ है, पार्टी ने मुझे पार्टी से अपनी हैसियत में निकाला हुआ है कि जी ये तो ये कर रही है वो कर रही है, तो मैं उस फेज से गुजर रही हूँ जो काफी बहुत मुश्किल फेज है, इट्स नॉट इजी। लेकिन चले, मैं अपनी इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं अभी उस स्टेजेस से मैं निकल के अभी उस आ गई हूँ कि चले मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ उन चीजों को। मैं उन मर्दों में बैठती हूँ तो मुझे नजर आता है कभी कभी कि ये सारे जो है तो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, कभी कभी जहन में आ जाता है, बट देन आई जस्ट आई एम नॉट सितारा अयाज एट दैट, आई एम सेनेटर सितारा अयाज सिटिंग हियर, आई एम अ पॉलिटिकल worker, I'm political worker who is sitting here. तो मैं बस उस पे ये नहीं कि मैं इस वक्त कौन बैठी हूँ, मैं सिर्फ ये, और मैं ये कहती हूँ कि मेरे जहन में ये होता है कि I'm here, मैंने किसी के लिए अच्छा करना है, मैंने इस मुल्क के लिए करना है, मैंने अपने इलाके के लिए एक अच्छा काम करना है, तो मैं I have to. तो आप यकीन करें फरहत कि मैं मेरे इलाके में जहाँ से मैं हूँ मेरे साथ सारे बंदे ऐसे खड़े होते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक आम जो अगर लड़की यंग लड़की आती है तो वो उसकी जहन में ये होना जरूर चाहिए कि वो एकदम जो है तो इतने ऊपर लेवल तक नहीं जाएगी,
she has to struggle. तो अपने दिल और दिमाग में ये रखे कि सब्र के साथ उसने आगे बढ़ना होगा, जितना भी उसके हर्डल्स आएंगे उसने अपने आप को, मैंने जैसे आपको कहा कि अंदर की औरत को मरने नहीं देना, लेकिन कैरेक्टर को स्ट्रांग रखना है। इफ बहुत वक्त ऐसे आएंगे कि वो बहुत नाजुक वक्त हो जाते हैं, उसमें आपने अपने आप को संभाल लिया तो आपने पूरी जिंदगी संभाल ली। मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, आपने अपने आप को संभाल लिया, अपना अपने इलाके को देख के आपने कदम उठाना होगा। आपने पंजाब को देख के, पंजाब के लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को देख के अपने इलाके में कदम नहीं उठाना। मैं अपने पख्तूनख्वा में अगर मैं कराची की किसी खातून को देख लूं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत, मैं उनको देख के कहूँ कि मैं उनकी तरह आके और वो, तो मैं गलत करूंगी, मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। मुझे कामयाबी तब मिलेगी कि मैं अपनी उन्हीं लिमिट्स में उसमें ग्रो करूं। अगर मैं उन लिमिट्स को आगे करती जाऊंगी, देखें आपको मैं बताऊं कि जब मैं छोटी थी तो मेरे इलाके में औरतें वोट नहीं डालती थी, कोई वोट डालने नहीं जाता था, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था वोट डालने का किसी भी औरत। With the passage of time, वो चीज चलती रही और उसमें चेंजेस आई कि अब आपकी हमारे इलाकों में अगर कोई जीतता है तो वो औरतों के वोट से जीतता है, मर्दों के वोट से अगर कोई हार जाता है तो औरतें इतनी वोट डाल लेती हैं कि वो जीत जाता है। तो वो चीजें वक्त के साथ 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 वो चीजें बढ़ेंगी, लेकिन इफ यू आर ट्राइंग टू इम्पोज दूसरे इलाकों की चीजें ला के आप इम्पोज करेंगी, धीर में इलेक्शन हुए आपको याद होगा प्रेसिडेंट मुशर्रफ के टाइम किसी ने वोट नहीं डाला, यहाँ से हमारे लोग गए, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम औरतों को निकालते हैं। चंद एक खवातीन वहां पे निकली जो कि बहुत ज्यादा थे, वो वेरी ब्रेव और मैं उनको सैल्यूट भी करती हूँ, क्योंकि जब वो निकली तो हम लोग तो बाहर आ जाते हैं ना, हमें तो फिर पीछे का नहीं पता होता कि वो कैसे वहां पे, तो किस मुश्किल से वो खवातीन फिर गुजरी वो हमें। आज देर में वोटिंग हो रही है तो हमें जो है ना अपने इलाकों को देख के स्ट्रगल करनी है, अपने लिमिट्स के अंदर रह के उसमें हमें ये स्ट्रगल करनी होगी कि हमें अगर मैं जिस इलाके से हूँ इस इलाके में हमारा क्या कल्चर है और हम किस तरह उसमें अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, हम किस तरह उसमें आगे जा सकते हैं। और पॉलिटिकली इस वक्त जो एनवायरनमेंट है खातीन के लिए बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वही खवातीन आगे आएंगी जो कि अपना गोल्स पे उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगी, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगी एंड टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर पीपल। अगर हम अपने आप को बस अपने पे करते रहे ना कि मैंने आगे जाना है और इस मैं से मैं नहीं निकलूंगी, हम पे हमने जाना होगा तभी आगे हम कामयाब होंगे। बहुत खूबसूरत बात की सितारा जी, वेरी ब्यूटीफुल, आई मीन सच अ इंस्पिरेशन और इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड इंस्पिरेशनल कोट्स एंड गाइडेंस दैट वी आर हैविंग फ्रॉम यू। सितारा जी, सिंस यू आर अ पॉलिटिकल फिगर एज वेल और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ने बहुत सफर किया है, आप यंग लोगों को और वो लोग जो अक्सर वोट नहीं डालते उनको क्या कहेंगी? क्योंकि अक्सर हम लोग, और ये बड़ा मुझे अच्छा भी लगता है जब मैं पॉलिटिकल फिगर से ये सवाल करती हूँ कि आप अपने वोटर्स को किस तरह इंकरेज करते हैं कि वो वोट डालें, और स्पेशली ऐसे लोग जो कि असेंबली में होते हैं, नेशनल असेंबली में होते हैं और वो रिप्रेजेंट उस तरह से नहीं करते थे, लेकिन जब दूसरी दफा वो जाते हैं वोट लेने के लिए तो अक्सर लोग उनसे कहते हैं कि नहीं हमें ऐसे नहीं है, लेकिन ये राइट ऑफ वोट जो है, और हम अक्सर अवाम आपको पता है पाकिस्तान की बहुत बेसब्र सब्री से चीजें करती है, तो ये वोट कितनी बड़ी ताकत है कि वो अपना ये राइट यूज करे और स्पेशली ख्वातीन को जो कि मेहनत करती हैं उनको बड़े वानों तक पहुंचाए, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आप क्या कहेंगे? मैं आपको कहूँ अगर मेरे दिल पे हो ना तो मैं तो कहती हूँ कि ख्वातीन जो है तो वो इलेक्शन लड़ के आए और दे विल बी द बेस्ट। अगर वो ख्वातीन इलेक्शन लड़ के आती हैं और असेंबलियों में आएंगी तो वो बेस्ट लेजिस्लेटर्स भी होंगी और बेस्ट इम्प्लीमेंटर्स भी होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिकॉज आई एम अ वुमन, लेकिन ये मैं अपने मुशाहदे से और अपने एक्सपीरियंस से देख रही हूँ कि कितनी ख्वातीन कहाँ कहाँ पे, पूरे पाकिस्तान को मैं अगर ले लूँ तो बहुत सारी अच्छी ख्वातीन और बहुत अच्छी लेजिस्लेटर्स हैं
जो कि अपने अपने इलाकों में दे आर डूइंग ए ट्रेमेंडस जॉब्स. अब द थिंग इज दैट देयर शुड बी मोर अवेयरनेस, विच आई थिंक दैट थ्रू सोशल मीडिया आर वोटर्स आर नाउ वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि किसको वोट डालना है. हमारे यहाँ ये होता है कि वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ पार्टी कि जी दिस पार्टी वी हैव टू वोट एंड नो मैटर आप किसी को भी खड़ा करते हैं तो दे वोट फॉर दैट. हम फिर बाद में अच्छा दूसरा द अदर थिंग इज विच इज इन आवर माइंड कि जी दिस पर्सन जिसको हम वोट दे रहे हैं ही और शी इज गोइंग टू डू आर जो हमारे तहसील थाना कचहरी है ये सारा वो करेगा एंड ये जो हमारे रास्ते बना रहे होते हैं और ये सारे बेसिकली हम लेजिस्लेटर्स होते हैं जो कि कानून बनाते हैं एंड देन वो इम्प्लीमेंट होती हैं. इफ यू हैव अ गुड लेजिस्लेशन देन ऑटोमेटिकली आपका मुल्क तरक्की करेगा और कानून अगर वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो जाए. अब नाउ द पावर ऑफ वोट ये बताना बहुत जरूरी है कि इट इज नॉट जस्ट कि आपके पास कोई एक बंदा आके एंड इफ ही और शी टेल्स यू कि भाई दिस इज आप ये ले लें पैसे 2,000-3,000 और आप हमें वोट दे दें. इफ यू आर गोइंग टू वोट दैट पर्सन वो आप उसने आपको पैसे दिए व्हाई शुड ही और शी कम बैक एंड वर्क फॉर यू. वो तो कभी भी नहीं आएगा ना उससे. आप सोच समझ के दें कि वो आपके लिए कल के आने वाली नस्ल के लिए वो आपके लिए ऐसे काम करे जो कि आपके एजुकेशन हेल्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द टू मेन चीजें हैं जिस पाकिस्तान की इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी है एंड दिस इज ऑल बिकॉज हमें पावर ऑफ वोट पता ही नहीं है. हम वोट किसको दे रहे होते हैं मेजॉरिटी ऑफ आर वेमेन दे डोंट नो. हमारे इलाकों में औरतें वोट डाल रही होती हैं उनको नहीं पता कि हम किसको वोट डाल रहे हैं. तो थ्रू मेरे ख्याल से जब हम मीडिया के थ्रू हमें ये इनोवेटिव तरीके अभी हमें अपनाने होंगे टू रीच आवर वोटर्स टू ट्रेन दोस वोटर्स दैट प्लीज डोंट वोट. किसी को आप इस बात पे ना करें कि वो मेरे इलाके का चौधरी है वो मेरे इलाके का वडेरा है तो वी आर गोइंग टू वोट. नो वोट फॉर उनको वोट डालें जो कि आपको जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो दे सके. और खवातीन जिस वक्त आई थिंक वी आर नॉट हम इस वक्त जनरल सीट्स पे नहीं आ रही हैं. आई थिंक मैंने इस पे बहुत ज्यादा बात भी की है हर फोरम पे बात की है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता रिजर्व सीट्स खत्म करनी चाहिए और पार्टी के अंदर हर पार्टी को बाउंड करना चाहिए कि दे शुड गिव जो ये लोग दे रहे होते हैं टिकट टू अ वुमेन बट नॉट लाइक इस दफा जिस तरह हुआ कि बाउंड तो हो गए थे पॉलिटिकल पार्टीज कि औरतों को उन्होंने टिकट दिए लेकिन जो कमजोर उनके हलके थे उनको पता था कि ये जगह तो हमने जीतना ही नहीं है यहाँ पे तो हमारा कोई वोटर ही नहीं है तो बराए नाम उन औरतों को उन्होंने वहां पे टिकट दे दिए जस्ट टू फिल दैट ब्लैंक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मस्त था. तो अभी जो है तो वो लेजिस्लेशन अब हमें करनी चाहिए खवातीन को कि ये जो ये टिकट अगर दें तो स्ट्रांग जो इनके होल्ड जहां पे दो या तीन टिकट वहां जरूर दें सो द वुमेन शुड कम उनके पास पावर होगा वोट का. जिस वक्त वोट का पावर होता है आई वॉज अ मिनिस्टर मैं एग्री करती हूँ आई वॉज एम पी ए ऑन अ सिलेक्टेड सीट बट मेरा वो पावर नहीं था जो एक इलेक्टेड मर्द का पावर था बिकॉज ही हैड अ पावर ऑफ हिज वोटर्स. तो वोटर को भी पता होना चाहिए कि अगर एमपीए एमएनए बैठा हुआ है तो वो उनका उनकी पावर पे बैठा हुआ है तो उनको फिर सही अपने वोट का हक अदा करना चाहिए ये नहीं कि हम किसी को भी डाल देते हैं. अच्छा सितारा जी ये बताइए कि पॉलिटिशियंस के लिए पावर ऑफ नॉलेज कितना जरूरी है. इल्म हासिल करना या नॉलेज होना कितना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमें सुन भी रहे हैं जो पॉलिटिक्स में आना भी चाहते हैं उनके लिए नॉलेज कितना जरूरी है इल्म किसी भी चीज का. फरहत पहले तो हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय नॉलेज. ठीक है ना एक हमने किया कि जी लिटरेसी है हमारी
क्योंकि आप बीए पास हैं, एमए पास हैं, मैट्रिक पास हैं, जी ये मस्ट होना चाहिए। और एक आपका होता है एजुकेशन, कि आप एजुकेशन लेते हैं थ्रू जनरल पब्लिक या थ्रू आपने किसी कहीं काम किया होता है। मेरी जाती जो मेरी राय है तो इसको लिटरेट तो जरूर होना चाहिए। कोई भी जब आता है उस पे when they are coming to the parliament, at least उसको bachelor degree तो उसके पास जरूर होनी चाहिए, because आप legislator है, आपने legislation करनी होती है। लेकिन साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि anyone जिसने पार्टी के अंदर या जिसने, जैसे मैंने आपको कहा कि if they started their career from union council level, जिसने politics में एक हद तक रहे हो, जो कि लोगों को जानते हो, जो ग्रास रूट की प्रॉब्लम्स को जानते हो, लाइक 15 इयर्स का एक्सपीरियंस हो उसका पॉलिटिकल, उसका बैकग्राउंड इतना हो, 20 इयर्स का सम एक्सपीरियंस हो उसके पास, तब वो पार्लियामेंट में आए। अदरवाइज अगर वो इलेक्शन से भी आ जाते हैं तो आई सॉ मेनी मेनी मेन, जो मेल है हमारे, वो बैठ के बोलते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने हल्के में जाके हल्के वालों के साथ, उनका लेजिस्लेशन में कोई नहीं वो होता। आप बाहर जो जा रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमने क्या बात करनी है, हमने क्या बोलना है, हम इसीलिए तो पीछे रह गए हैं। तो देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया फॉर द पार्लियामेंटेरियन, के उसके क्राइटेरिया के मुताबिक जो है तो पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी हो, देयर मस्ट बी सम एक्सपीरियंस उनका किसी भी फील्ड में उनका। जैसे हम कहते हैं ना कि हम सेनेट में जब लेके आते हैं तो टेक्नोक्रेट्स लेके आते हैं, कि उनका कोई एक्सपीरियंस होता है और वो उस पर आते हैं। तो इसी तरह सबके लिए कोई ना कोई, देयर शुड बी, और खवातीन के लिए भी मैं कह रही हूँ, जैसे मेरे मेरी बहुत सारी बहनें मेरे साथ एग्री नहीं करती, व्हेनेवर आई डिस्कस दिस थिंग विद देम, कि भी अगर सिलेक्टेड सीट पे, बिकॉज वो तो सिलेक्शन पे आ रही है, फिर ना इलेक्शन पे तो आप कह रहे हैं कि चलिए जी कोई भी उनको वोट डाले, तो वो तो हमारे हाथ में है, तो एटलीस्ट उनको तो आप वो वाले लेके आए जो कि आके कुछ ज्यादा कर सके। अभी भी मैं किसी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट करें, बट देयर शुड बी अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड। हम पार्लियामेंट के अंदर आके अपना जो टाइम लगाते हैं तो दैट शुड बी, हमें इस पे बहुत ज्यादा वो करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए सितारा जी कि आप अपना क्वालिटी टाइम कैसे गुजारती हैं, आप क्या करती हैं, किताब पढ़ती हैं, आप क्या करती हैं? मैं अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम गुजारती हूँ, आई लव टू स्पेंड टाइम विद माय चिल्ड्रन, एंड देन बुक्स में पढ़ती हूँ रात को कभी कभी, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। मैं अपने लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, एंड आई एम ऑलवेज going to my area and I love to sit with my people, जो वहाँ के लोग हैं, जो local लोग हैं, मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा time गुजारूँ, and I enjoy their company, मैं उनकी company को enjoy भी करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो उनसे मुझे बहुत सारे कुछ मैं सीखती हूँ उनसे, तो वो भी करती हूँ। books I love to read actually, मुझे बहुत ज़्यादा है आजकल in a lockdown में I am becoming, मैं बहुत सुगड़ बनती जा रही हूँ, I guess that I am doing cooking वगैरह भी मैं कर रही हूँ काफ़ी बच्चों के लिए, वट एवर दे वॉन्ट तो वो भी करती हूँ। सारा जो इनका बच्चों का बच्चों के लिए चीजें, स्वेटर्स आई लव टू के मैं नेट करूँ, और सारा जो बस इस तरह के थोड़े छोटे मोटे काम मैं करती रहती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ आई लव टू स्पेंड माय टाइम, जो मेरा टाइम होता है मैं बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। एक्सेलेंट सितारा जी, पर सो अमेजिंग, और बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं जो लाइव हमें कमेंट्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों ने हमें आपके लिए बहुत प्यार भी भेजा है। राबिया है मेरी दोस्त, बहुत अच्छी, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं आपको। फिर आरिफ बल्तिस्तानी है, ये स्कर्दू से हमें सुन रहे थे। आरिफ, थैंक यू सो मच, आप हमें सुन रहे हैं। आई सॉ हिज मैसेज, मुझे वो नजर आ गया। हाँ बिल्कुल, हाँ। और अस्कर साहब हमें, वहाब साहब हमें सुन रहे थे, सेइंग ग्रेट कॉन्वर्सेशन, थैंक यू फॉर शोकेसिंग द वुमेन लीडर्स ऑफ पाकिस्तान, इट्स देयर,
ये एसेट और ये खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बस हमें उनसे मिलना है और हमें उनसे बात करनी है और हमें मालूम होना चाहिए कि ये लोग हमारे पाकिस्तान में रहते हैं। एक बहुत लंबा सा एक वी डू नॉट हैव, एक आरिफ बल्तिस्तानी ने आपसे सर सवाल किया है या कॉमेंट किया है, उन्हें कहा कि वी डू नॉट हैव रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल असेंबली एंड सेनेट, सो वी डू नॉट, वी कांट रेज आवर प्रॉब्लम्स डायरेक्टली ऑन द असेंबली फ्लोर। मैडम सितारा, एज यू सेड, यू आर रिप्रेजेंटिंग क्लाइमेट चेंज इन सेनेट एंड जीबी इज सफरिंग अलॉट बाय क्लाइमेट चेंजेस, स्पेशली ड्यू टू द ग्लेशियर मेल्टिंग। व्हाट इनिशिएटिव्स यू हैव टेकन टू टैकल दीज वेरी डिजास्टर इश्यूज? व्हाट आर द सस्टेनेबल मेजर्स दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ दीज क्लाइमेट चेंजेस, स्पेशली ग्लेशियर मेल्टिंग के हवाले से? वो पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल, ही इज राइट। एक्चुअली गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, एज आई सेड कि वी वर सपोज टू, एक्चुअली लास्ट ईयर वी वर सपोज टू विजिट गिलगित बल्तिस्तान फॉर द सेम जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है उस पर। इस वक्त हमारे पास एक गोल्फ ग्लॉफ का प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो फेडरल गवर्नमेंट का वो कर रहे हैं उसको, तो उसको हम लोग देख रहे हैं और वो जीबी के लिए है और उसमें काफी सारा काम मेरे ख्याल से अभी ये कोविड की वजह से थोड़ा स्टॉप हुआ है, बट दैट इज अ प्रायोरिटी व्हिच आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज गिविंग टू जीबी। एज ही सेड के इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दिस इज व्हाट वी रियली वांट कि इनकी रिप्रेजेंटेशन हो यहाँ पे असेंबलीज में और ये इनकी तरफ से भी काम होना चाहिए। हम लोग भी इस तरफ स्ट्रगल कर रहे हैं एंड वी वांट के इनके जो मसाइल हैं वो यहाँ पे असेंबली में उठाए जाएं। दो के इनके जो चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं ही इज इन कॉन्टेक्ट विद आर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो कॉन्टेक्ट में होते हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक देयर रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी, हमारे साथ होनी चाहिए इनकी रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, मोहम्मद अमीन साहब ने भी आपकी बड़ी तारीफ की है, यू आर अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ कोर्स, और कह रहे हैं कि ये जो है बड़ा जबरदस्त आप काम करें। हमारी मेरी प्यारी दोस्त है एमएलए है कश्मीर से सैरिश कमर, सैरिश पूछ रही है कि मैडम सितारा, व्हाट विल यू से अबाउट स्पेस पावर गिवन टू फीमेल लेजिस्लेचर्स इन असेंबली एंड व्हेन विल दिस गैप फिल्ड, और ये गैप कब फिल होगा? आई थिंक दैट ये जो है तो अभी तो ऑलरेडी वी हैव क्वाइट फीमेल हमारी जो उस पर आ रही है सिलेक्टेड, जो हमारा जो रिजर्व सीट्स हैं तो वी हैव क्वाइट नंबर इन असेंबलीज एंड दे आर, वो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं और वी वॉन्ट के और लोग आए, काफी स्पेस है अभी भी है एंड एज वी डिस्कस्ड फरत, अभी हम डिस्कस भी ये करते रहे हैं कि वी नीड गुड पीपल एंड देयर शुड बी क्राइटेरिया फॉर वुमेन लेजिस्लेटर के वो आए और हमारे साथ यहाँ पे असेंबलीज में बैठे, तो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड आई होप दैट इंशाल्लाह काफी अच्छी खवातीन, इस वक्त भी बहुत अच्छी खवातीन है जो काम कर रही है और आने वाले वक्त में भी होंगी। सैरिश होस्ट माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रही है कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में, थैंक यू सो मच सैरिश और थैंक यू सो मच सितारा जी फॉर योर प्रिशियस प्रिशियस टाइम, आप हमारे साथ रही, आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू भी की और बहुत सारे लोग जो हमें सुन भी रहे हैं और शायद मेरे दोस्त जो सवालात भी होंगे, आप इस तरह कीजिएगा कि जो भी सवाल होंगे वो ये जो वीडियोस हैं या ये शेयर हो जाएंगी मैम सितारा के पेज पे भी, आप उनसे भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, कोई भी गोल या कोई भी अचीवमेंट हासिल करने के लिए आपको रोजाना थोड़ा 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 सा काम करना पड़ता है, ये एक दिन की यूनी होती है। अगर सितारा याज को अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये एक लॉन्ग स्ट्रगल है, 20-25 सालों की स्ट्रगल है जो कि यहाँ तक मौजूद है हमारे साथ और हमारे सामने एज ए सेनेटर बैठी हैं और हमसे बात कर रही हैं, और उनकी अमेजिंग टॉक जो आपने सुनी तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे नकाश दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि वो पूरे जिला सवाबी में कैसे गरीब लोगों की बहुत ज्यादा खिदमत करती हैं, बहुत खूबसूरत बात की नकाश, और इसी बात के साथ कि अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे, जहाँ आप हैं अपने प्यारों के साथ रहें, सेफ रहें, और इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला हम सबको निकाले, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक बहुत खूबसूरत मेहमान के साथ अगली दफा। मैं इजाजत चाहूंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।